हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कमीज ते लिबड़िया होया खून दे नाल बकरी दे खून दे नाल लबेड़ के घर लई जांदे ने। जदों घर दे विच लै गए रात दा टाइम ते बूहे अग्गे रोना शुरू कर दिता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जदों गल सुनी उन्हां दा रोण सुनिया ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिस वेले अंदर दाखल होए बच्चे उन्होंने जाके दसिया अबू जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु ते बघियाड़ खा गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गल सुनी के यकदम परेशान हो गए, आप जमीन दे उत्ते तशरीफ लाए डिग पे बेहोश हो गए। सारी रात बेहोशी दे विच कट दित्ती, सारी रात दी बेहोश पै रहा। जिस वेले सवेर नमूदार हुई आपने फरमाया आओ मेरे करीब आओ बच्चे। जदों करीब आए पुछया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किथे आ, कहण लगे जी उस नु ते बघियाड़ खा गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाउण लगे इस तरह करो कोई तुहाडे कोल दलील होवे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बघियाड़ां दे खाण वाली, कोई तुहाडे कोल दलील होवे। उन्होंने कहा जी ऐ वेखो साडे कोल कमीज़ है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कमीज़ है जिहड़ा खून दे नाल लिपटिया होया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनूं विखाओ। जदों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज़ नु वेख्या वेख के फरमाया भई ओह कितना रहम दिल दरिंदा सी, कितना रहम दिल ओह भेड़िया सी जिन्हें मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम नु ते खा ले, लेकिन जनाब अली दंद दिकर मेरे बेटे दी कमीज़ नु नहीं लगन दिता। इस तरह पंजा उसने मारे लेकिन कमीज़ नु दाग दिकर भी नहीं लगन दिता, थोड़ा जा फटन तक भी नहीं दिता। ओ जिनु बगैर खावे सारा कमीज़ तो दा जड़ा फट जांदे। इस वास्ते तुसी परेशान ना करो, मैनु सही असल हकायक मालूम कराओ, असल गल्लां दसो वजह की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किथे ने? उन्होंने आखिया नहीं अब्बा जी असीं तुहानू सही दस रहे हां। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इह गल्लां जिहड़ियां ने तुसीं अपनी तरफों ही घड़ी फिरदे हो, हालांकि मेरे बेटे नूं यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बघियाड़ां ने नहीं खादा। कहण लगे अब्बू जी असां झूठ नहीं मारदे। आपने फरमाया अगर ओह बघियाड़ ने मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कमीज़ नूं उतार के खादा है ते फिर इह खून दे नाल लबेड़िया किन्ने आ? अगर मेरे बेटे नूं सड़े कमीज़ खादा गया ते फिर इस नूं फाड़िया क्यों नहीं गया? इस कमीज़ नूं थोड़ा जिन्ना भी फाड़िया क्यों नहीं गया? इस नूं दंद तिकर भी क्यों नहीं लगा? खराश तक भी नहीं आई? मेरा सारा यूसुफ बघियाड़ खा गए लेकिन इहनूं जरा जिन्नी इक दंद तिकर भी नहीं लगा, की वजह है? मैनूं गल दसो, हकीकत दसो। उन्होंने कहा अबू जी इस तरह कर लिया, असीं हुणे तुहाडे कोलों उस बघियाड़ नूं लैणे आ। उन्होंने जाके जाल लाया और फिर नाबे आली उस जाल दे उस बघियाड़ नूं इक बघियाड़ नूं उन्होंने कैद कर लिया। उन्होंने बन के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे कोल आए, कहण लगे जी ऐ बघियाड़ जिन्ने खादे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह कंध दे उत्ते हाथ फेरा, उस बघियाड़ दे कंध दे उत्ते हाथ फेरा। आपने फरमाया दस ओह बघियाड़ा, दस तू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खादा कि नहीं खादा? ओह बघियाड़ नूं अल्लाह तआला दी ज़ात ने बोलण दी ताकत अता फरमाई। ओह बघियाड़ बोल के कहण लगा नहीं नहीं जनाब, अल्लाह तआला दी ज़ात ने साडे उत्ते नबियां दा गोश्त जड़ा हराम कर दित्ता है, नबियां दा जिस्म हराम कर दित्ता है। असीं नबियां दा जिस्म नहीं खा सकदे, असीं बिल्कुल ऐवें वहम दे विच ना पै जाओ, असीं तेरे यूसुफ नूं नहीं खादा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेखो बेटा इह जानदा ते मैं कोई नहीं खादा, तुसीं भी सुणे मैं भी सुणे, जिन्ना जिन्ना सुणे ओह दस सकदे ने कि बघियाड़ आंदा ते मैं कोई नहीं खादा यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं। हुण दसो ओह कहण लगे, उन्होंने ने उस वेले शर्मसारी हो शर्मसार होना शुरू कर दिता। ओह शर्मसार हुंदे पए ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फिर बेहोश हो गए। ओह आपस दे विच मशवरा करन लग पए आपां किड्डा वड्डा जुल्म कीता है, अबू जान दे उत्ते बड़ा वड्डा जुल्म कीता है, आपां जान दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बगैर एक सिर कढ़न वास्ते भी जिंदा नहीं रह सकदे सन। आपां यूसुफ अलैहिस्सलाम ते भी जुल्म कीता, आप दे बाप तों दूर कर दिता, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ते भी जुल्म कीता, उन्हां दा बेटा जिहड़ा अखां दा नूर सी। हुण दसो आपां वल साहब दे नाल की करिए? उन्हां ने आख्या छोड़ इस गल नूं, इधरों जनाबे अली फिर जांदे ने उस कुएं दे उत्ते जाके वेखदे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बाहर ना कढ देवे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब्बा जान
तीन दिन गुजर गए, जो चौथा दिन आया फिर की होया, हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम आप कुएं दे विच दुआ करते पए ने, या मौला करीमा इस कुएं दे विचों मैनू आजादी अता फरमा, या अल्लाह इस कुएं दे विचों मैनू आजाद फरमा, या अल्लाह इस अजाब तो महफूज फरमा। इधर एक काफिला मदीन वालों आंदा पे, उस काफिले ने मिस्र वाले जाना सी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे विच दुआ पे करदे ने, अल्लाह तआला दी जात ने इरशाद फरमाया, असि बिल्कुल अन करीब तैनू इस कुएं दे विच ले जाके तैनू तख्त अता फरमाउण लगे हां, तैनू बादशाही अता फरमावांगे, तैनू सरदारी अता फरमावांगे, सदका ए सारा तेरे सबर दा, क्योंकि सिला तैनू सबर दा अता फरमावे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे विच ने, ओ काफिला कुएं तो थोड़ा जिहा अगे जाके बसेरा करन लग पिया, उत्थे रात रहण दी सोचण लग पिया। उधरों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे विच ने, उधरों उन्होंने दो आदमियों नूं भेजा डोल देके, जाओ पानी लैके आओ। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे विच जिहड़े डोल वेख्या, डोल कुएं दे विच आंदा पे, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम घबरा के परेशान हो गए, पता नहीं मेरे भाई आ गए, मेरे भाई मैनू कुएं दे विचों बाहर कढ लैणगे, उन्होंने मैनू हुण कतल कर देना है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम परेशान हो गए, इधरों जिब्रील नूं अल्लाह तआला दी ज़ात ने भेज दिता, जिब्रील जल्दी जा मेरे यूसुफ अलैहि सलाम नूं तसल्ली दे, ते नाले उन्हूं कह दे इह जिहड़ा टोल विच कुएं दे सत्तणगे इस टोल नूं हत्थ पा लवीं बाहर आ जावीं। इधरों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जदों कुआं वेख्या, कुएं दे विच टोल वेख्या, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने दोनों हाथ मजबूती नाल पा ले, उन्होंने जिसले कुएं दे विचों टोल बाहर कढना चाहा, आख लगे बड़ा भारी, बहुत भारी टोल है, इन्हों जरा जोर नाल, उन्होंने दोनों ने मिल के जोर लगाया, सारा सारा जोर लगा दिता, ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं दे विचों बाहर आंदे पए ने। जदों कुएं दे विचों बाहर आए, हुण कुरान पाक दी इत्थे बयान पिया करदे, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं जिसले उन्होंने वेख्या, बड़ा सोहणा बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा, नूरानी बच्चा, वेख के हैरान रह गए, अखां खीरा हो गईआं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं उन्होंने बाहर कढ़िया, फिर आप दे मालिक कोल लै गए, जिंदा नाम मालिक सी, काफिले दा सलार सी जिहड़ा, उहदा नाम मालिक इब्ने ज़ुबर, उस नूं कहण लगे, वेखो बच्चा किड्डा सोहणा कुएं दे विचों निकलिआ, उहने आखिआ नूं जल्दी नाल किते छुपा दिओ, आपां जाणा मिस्र, ते मिस्र वाले जिहड़े ने हुसन दे बड़े पिजारी ने, उहनां नूं जाके विखावांगे, इस बच्चे नूं बड़े पैसिआं नाल खरीदिआ जावेगा, इस बच्चे नूं बड़ी दौलत दे नाल खरीदिआ जावेगा, इस बच्चे दे बड़े आपां नूं पैसे मिलणगे, इह नौजवान बच्चा बड़ा सोहणा खूबसूरत बच्चा, बड़े पैसे मिलणगे। इधर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे भाई आ गए, उन्होंने कुएं दे विच निगाह मारी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उन्होंने नजर ना आए, जदों उन्होंने वेख्या काफिला एक बैठा है, काफिले वाले को चलेगा भी, हाँ काफिले वाले इतने एक बच्चा जी कुएं दे विच, तुहानूं को पता होवे, उन्होंने आख्या ना जी ना जनाब, सानूं उस बच्चे दे बारे कोई इलम नहीं। उन्होंने जिसने एक थार मारी, उन्होंने आख्या साडियां जवानियां देखते पए हो, साडे जोर नूं भी देख लवोगे, असि तुहानूं बार बार कहिंदा, ओ बच्चा साडे पेश कर दिओ, साडे हवाले कर दिओ। उन्होंने जिसने वेख्या उन्हां दी जवानी नूं, उन्होंने क्या करे, साडे गल पै गए, सानूं मार देणगे। उन्होंने फौरी तौर ते बिल्ला हिलो हुजर, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं भाइयां दे पेश कर दिता, जदों ते पेश कीता, उन्होंने आख्या इहनूं असां वेचणा, अगर तुसां लैणे ते लै सकदे हो। उन्होंने आख्या गल करो किन्ने पैसों दा, उन्होंने आख्या पहले ऐप ते सुण लो, इहदे विच ऐप बड़े ने, उन्होंने आख्या बयान करो इहदे की ऐप ने, उन्होंने आख्या पहला ऐप ते लै वे, इह चोरियां करदा बड़ा वड्डा चोर, ते दूसरा ऐप लै वे कि इह झूठ बड़े मारदा, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तो भी लै ताला। उन्होंने आख्या जी तीसरा काम लै वे, इह आप जिहड़े ने झूठे बयान करदे, उन्होंने आख्या सानूं इस गल्लां नाल कोई गल नहीं, जिन्ने पैसे लैने जे लै लो। उन्होंने आख्या तुहाडे कोल है की, उन्होंने आख्या साडे कोल 20 दिरहम ने, ओह वी खोटे ने, जे अगर लैने चाहुंदे हो ते लै सकदे हो, हाज़र। उन्होंने आख्या चलो तुसीं सानूं इहो ही दे दिओ, उन्होंने आख्या ठीक है। उन्होंने 20 दिरहम गिन के तो उन्होंने भाइयां नूं दे दित्ते,
حضرت یوسف علیہ السلام دے پانیاں نو دے دتے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس نے ویکھیا سوتا ہویا کدی پانیاں دے چہرے ولے ویکھدے نے اور کدی اپنے اس مالک ولے ویکھدے نے جڑا خریدا ہے کدی قابل والے ولے ویکھدے نے کدی اپنے پانیاں دے چہرے ولے ویکھدے نے انہاں نے آکھا واقعی تہاڈا غلام ہے انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو عبرانی زبان دے وچ آکھ دتا اگر ساڈا غلام ہن تو انکار کر دیتا اسی ہنے تینوں قتل کر دیاں گے حضرت یوسف علیہ السلام کولوں نہ قافلے والے پوچھیا کیا بھی واقعی تہاڈا دا غلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں انہاں دا غلام ہاں میں انہاں دی غلامی دے وچ رہنا ہاں ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نوں لے کے او ٹرن لگے پائیاں نے آکھیا ٹھہر جو اس طرح کرو انہاں ہتھاں دے وچ رسیاں پا لو پیراں دے وچ بیڑیاں پا لو گلے دے وچ توک پا لو اے فرار ہو سکدا ہے کیونکہ بھگڑا آدمی بھج بھی سکدا ہے استغفر اللہ علی العظیم بالله تعالی جدوں انہاں نے ایسیاں گلاں کیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پائیاں دے چہرے ولے ویکھتے پئے نے ایک ایسا میرے بارے گلاں پہ کردے نے ایک ایسا بھگدے ایک ایسا گناہ جدوں انہاں نے ایہ گلاں کیتیاں پائی ٹرن لگے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے دل نوں رک پے گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زاروں قطار رونا شروع کر دتا تھوڑے جے دور گئے نے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام مالک نوں کہن لگے ٹھہر جا مینوں اتنا پتہ اپنے مالکاں نال تھوڑی جی گل تے کر لین دیو انہاں نے آکھا گل سن کاکا گل سن بچہ گل سن تو انہاں نوں پھر ملنا چاہے جنہاں نے تینوں کھوٹے ترماں دی خاطر ویچ دتا جنہاں نے تینوں جھوٹا وی کہہ دتا جنہاں نے تینوں بھگوڑا تک وی کہہ دتا آپ نے فرمایا اے انہاں دا کم سی ساڈا اے کم اے اسی انہاں نوں ملنا چاہنے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نوں اجازت مل گئی ادھروں ویکھو حضرت یوسف علیہ السلام دے پیروں مبارکاں دے وچ بیڑیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نوں انہاں دے پیچھے دوڑ پئے آوازاں دیندے پئے نے انہاں بھائیاں نے جس نے آواز جو حضرت یوسف علیہ السلام دی آواز نوں سنیا کہن لگے پیچھے مڑ جا ساڈے پیچھے آون دی کوشش نہ کر اسی تینوں ویچ دتا واپس چلا جا حضرت یوسف علیہ السلام دوویں ہتھ جوڑ کے آندے نے ٹھہر جو میرو ویرو ٹھہر جو میں تانوں ویکھنا چاہنا وا میں تہاڈا دیدار کرنا چاہنا وا آخری ملاقات آخری دیدار کرنا چاہنا وا جس ویلے جناب علی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کھڑے ہو گئے جا کے کول حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ویرو جے کو میرے کول غلطی ہو گئی جے تے مینوں معاف کر دیا جے میں تہاڈا چھوٹا بھائی ہاں مینوں معاف کر دیا جے انہاں نے آکھیا ویرا گل سن انہاں نے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام دا اظہار محبت ویکھیا ویکھ کے کہن لگے انہاں نے بھی رونا شروع کر دیتا کہن لگے اسی تینوں گھر تے لے جا سکنے ہاں پر اگر گھر تے نوں لے جانے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان انہاں نوں سارا پتہ لگ جائے گا اسی تے بڑا جڑا ہے بہت بڑا کم انہاں نوں وکھا چکے ہاں اسی اے کہہ چکے ہیں کہ بغیر انہاں نوں کھا گئے اگر تینوں گھر وچ لے کے جانے ہاں تے جھوٹے ہو جاواں گے جا پائی جدھر جانے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان دی خدمت رج کے کریا جے ابا جی نوں تکلیف نہ آون دیا جے حضرت بنیامین میرا چھوٹا بھائی اوندے نال پیار کریا جے محبت کریا جے میری بہن زینب اوندے نال وی پیار کریا جے محبت کریا جے انہاں دے دل نوں دکھایا جے نا اللہ تعالی دی ذات تانوں معافی عطا فرمائے گا جو کچھ تساں میرے نال کیتا میں تانوں معاف کیتا ویکھو بھائی دی محبت بھائیاں دے نال کیسی اے تے جانن والے جاندے نے اے تے جنہاں نوں بھائیاں دی شان دا پتہ ہے جنہاں نوں اپنے بھائیاں دی قدر دا پتہ ہے اوہی ایسیاں گلاں کردے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نال سیاڑا کیڑا سی حضرت یوسف علیہ السلام نال عقل مند زیادہ کیڑا سی حضرت یوسف علیہ السلام نوں پتہ سی بھائیاں دی شان دا بھائیاں دی عظمت دا پتہ سی حضرت یوسف علیہ السلام جناب علی پھر اپنے بھائیاں نوں مل کے اس قافلے دے نال چلے گئے نے جدوں قافلے وچ جا کے شامل ہو گئے انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نوں کچاوے وچ بند کر لیا تے لے کے لگے جاندے نے بڑیاں ہی فاصلہ نال لے کے جا رہے نے کیوں لے کے حفاظت دے وچ کیوں لے کے جا رہے نے کیونکہ انہاں سنیا ہویا سی اے بھگوڑا آدمی اے اے جھوٹ مار دے حضرت یوسف علیہ السلام
मुबारक आ गया, कबर मुबारक आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप नु कचाले तो थले डिग गया। जब थले डिगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिड़दे आपकी मां की कबर दे उत्ते जाके खड़े हो गए। आखन लगे अम्मा जी वेखो तुसी मेरे पाया ने मेरे नाल की कीता है, मेनू अबू तो जुदा कर दिता है, मेनू अबू तो जुदा कर दिता है, मेरे वीर बिन्यामीन तो भी मेनू जुदा कर दिता है, मेरी भैन तो भी मेनू जुदा कर दिता है। अबू जी दियां अखां दा मैं नूर सां, मैं अबू जी दियां अखां दा चानण सां। अबू जी जिन्ना चिकर यकूब अलैहिस्सलाम मेनू वेख नहीं सी लैंदे, उन्ना चिकर उन्हां नूं सकून नहीं सी आउंदा। इस वास्ते अम्मा जी वेखो वीरां ने मेनू तमाचे मारे ने, मेरे सोने जे रुखसारां दे उत्ते चमा तमाचे मारे ने, मेरे नाल बड़ा बड़ा उन्हां ने वैर कमाए, मेरे ते बड़े बड़े उन्हां ने जुलम कीते ने, मेनू हथ कड़ियां पवा दित्तियां ने, मेरे पैरां विच बेड़ियां पवा दित्तियां ने, हर एक ने मेनू तमाचे मारे ने, मेनू कुएं दे विच वी सुट दित्ता है, मेनू झूठा तक भी कह दित्ता है, मेनू चोर तक भी कह दित्ता है, बकौड़ा तक भी मेरे पाइयां ने मेनू कह दित्ता है। इधरों फिर जनाब अली मां दी कबर दे उत्ते फिर नबी खड़ा सी, अल्लाह तआला दा नबी खड़ा सी, हुस्न दा मालिक खड़ा सी। जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दीआं गल्लां नूं मां ने सुणिया, मां आखण लगी मां दी कबर तड़प गई। मां दी कबर तड़पे वी क्यों ना, मां जो होई आम इक बंदा है जिहड़ा ओहदी मां दी कबर तड़प जांदी है। इहदे फिर नबी सी उस्मत वाला सी, शौर वाला सी, बड़े मर्तबे दा मालिक सी, अल्लाह तआला दी जात ने बड़े करम कीते सन। जदों मां ने गल्लां सुणिया अपने बेटे दीआं, मां दी कबर तड़प गई, विचों आवाज़ आई जावे मेरा बेटिया, जावे मेरा शहज़ादिया, जिहड़े पासे तू जावे तैनूं रब खैरां कर देवे, अल्लाह तआला दी जात तेरी मदद फरमावे। बेबेका सबर दा काम हथों ना छड्डी, इक दिन ओह जनावेगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नूं बड़ी इज्जत नाल मिलेगा, बड़े वकार नाल मिलेगा, आपदे भाई नूं बड़ी इज्जत नाल मिलेगा, तेरा भाई भी तैनूं बड़े प्यार नाल मिलेगा, सारे तैनूं मिल जाणगे, परेशान ना हो। अल्लाह तआला दी जात ने तेरे ते सबर दीआं कड़ियां ला दीआं ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वेले जनाबे अली उत्थे मां दी कबर दे उत्ते खड़े होए ने, उधरों असद नामी बंदा जिहड़ा काफले दे विच सी जिहदे सपोर्ट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कीता गया सी, ओह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे नूं पता लग गया, ओह ते भाग चुके, ओह ते नस गया, चला गया इक चावा खाली। ओह जनाबे अली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी तलाश विच निकल गया। उस तों बाद जनाब की होया, सारे काफले वाले नूं ने कह दित्ता, ओह काफले वाले गल सुनो, ओह गुलाम जिहड़ा पकड़ी गया सी ओह ते नस चुका जे भाग गया, ओह भी सारे वापस मुड़ के आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी तलाश विच निकले, वापस आए की वेख्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दी मां दी कबर दे उत्ते खड़े होए ने। फिर जिस वेले अपने मालिक नूं वेख्या, जिस वेले असवद नूं वेख्या, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस उन्हां दे कोल आना शुरू कर दिता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां दे कोल आ गए, आओ जिहड़ा असवद नामी बंदा कहण लगा तेरे बारे ते असीं सुणिया आया सी तू बकवाड़ा आदमी है, लेकिन साडा ज़हन तस्लीम नहीं सी करदा, उन्हां लोकां ने दस्सिया सी झूठ मार दे, साडा ज़हन तस्लीम नहीं सी करदा, उन्हां ने कहा सी इह बंदा झूठ बड़े मार दे, इह ख्वाबां दीआं तबीरां गलत दस दे, ख्वाब गलत बयान कर दे, असां यकीन कोई नहीं सी कीता, लेकिन हुण तू नस के इस साडे ऊंट तों उतर के कचावे विचों निकल के साडे यकीन नूं पक्कियां कर दित्ता ई, उन्हां गल्लां नूं पक्कियां कर दित्ता ई। इस वास्ते उन्हां ने उस वेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गल सुनो मैं ऐवें नहीं नसिया नहीं, मैं कितें तौड़िया नहीं, मैं कितें भागिया नहीं, मैं जांदा पिया सां, मेरी मां दी कबर आ गई सी, मेरी मां दा मज़ार पुराना मार आ गया सी, मैं कोलों दी नहीं गुजर सकिया, मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं कीता, मेरे प्यार ने गवारा नहीं कीता, मेरी मां दी कबर आ जाए ते मैं बिल्कुल इत्थे
ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੈਮੂਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵਾਲੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਿਸਰ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਤੈਮੂਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਗਰਬ ਸਾਈਡ ਵੱਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਰੇਬਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਰਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਆਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਤ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਸਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਨੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਲੱਗੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਣਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਖਤਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
जिस वेले ए गल्लां सुनिया मालका ने कहन लगी जिस वेले नौकरानी ने गल्लां सुनिया कहन लगी मेरी गल सुन हो सकदा है अल्लाह चंगिया करेगा। जिस वेले ने जाके उसकी मां नु दसिया ओ सुन के ते गल्लां सुन के परेशान हो गई अपने उसने खामद नु दसिया एक नौकरानी सूरत वाला इस नु ख्वाब दे विच नजर आए ओनु चांदी पई है ओनु लभदी है कहंदी है कि ओ सुन मैनु ओ मैनु मिल जावे। जिसले माई साहबा ने गल्लां दसिया जिसले मां जिसले तैमूर बादशाह नु पता लग्या मेरी बेटी नु इश्क हो गया है और इश्क भी उसदे नाल हो गया पता कोनी ना करदा ना महल्ले दा ना उहदे कोई मुल्क दा पता है। इधरों जनाबे अली फिर एक साल इसे जुदाई दे विच गुजर गया। एक साल बाद फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब दे विच मिले नूरानी सूरत वाले फिर ख्वाब दे विच मिले। फिर जिसले ख्वाब दे विच मिले की होया पुछदी है वे सूरत नूरानी वालिया सोने जै चेहरे वालिया मैनु दसदी तेरा नाम की है तू किथे रहने तू केड़ी जगह ते रहने मैनु तेरे नाल प्यार हो गया मैनु दसदी तेरा नाम की है। आपने फरमाया मेरी गल सुन मैं भी यो चाहना वा कि अल्लाह ताला दी जात ने तेनु मेरे वास्ते पैदा कीता ते मैनु तेरे वास्ते तेनु मेरे वास्ते पैदा कीता मैं भी तेनु चाहना वा। इसे तरह गल्लां करदे करदे पता ना दसिया आख्या सबर कर अल्लाह ताला दी जात तेनु इंशाअल्लाह अजीज इंशाअल्लाह अजीज सारे पर्दे उठा देवेगा इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला दी जात सारीयां दूरियां दूर कर देगा। एक दिन ओ वेला आवेगा तू मेरे कोल होवेगी मेरे करीब होवेगी। जिस वेले माई साहबा ने गल सुनी खाब तो बेदार हुई फिर चीख मारी फिर बाप आके पुछदा है बेटी वजह दस की है परेशानी की है। आख लगी अबू जी फिर मैनु नूरानी सूरत वाला मिला है मैनु ओह मिला जिनु मैं चाहनी हाँ। उन्हें आख्या बेटी मैं कोशिश ते करना वा पर तू कोई गल ते दसो इलाके किहड़े विच रहिंदा है उहदा महला किहड़ा उहदा मुल किहड़ा है उहदा नां की ओह करदा की ओह कम कार की करदा है। उन्हें आख्या जी ते मैं नहीं पुछ सकी। उन्हें आख्या जी अगर ऐना तेनु ख्वाब विच मिल जावे ते उहनु जरूर पुछ लई। कहण लगी ठीक है। जिस वेले फिर एक साल इसे गल दे विच गुजर गया इसे परेशानी हैरानी विच गुजर गया फिर जनाबे अली फिर साल दो साल तो बाद फिर ख्वाब आया सुतियां पईयां ने ते की वेख्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी फिर झलक मिली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा फिर दीदार मिला। उठ के बैठ के आख लगी वे सोनी सूरत वालिया वे नूरानी चेहरे वालिया वे सोने जिहा हुस्न वालिया मैनु दस दे सी वे तेरा नाम की है तू किहड़े महल्ले रहने तू किहड़े मुल्क रहने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया आपने फरमाया मैं अजीज मिस्र मैं मिस्र दा बादशाह अगर मैनु मिलना ते उठे आ जाओ। इधरों जिसले माई साहब उठिया हजरत माई ज़ुलैखा उठिया दिल दा बोझ जड़ा हल्का हो चुके अखां दे आंसू कट चुके ने दिल बड़ा खुश है चेहरे दे ते रंगत पी आंदी है दिल दे विच प्यार पी आंदा है चेहरा जड़ा हशाश बशाश प्यार नजर आंदा है। उठे अपने बाप नु दसिया आख लगी अबू जी मैं आप जो उसका पता पूछ रहे ओ फलाने मिस्र दे विच रहंदा है मिस्र दे बादशाह वक्त दा बादशाह उसने वेख्या उहदे घर वी बड़े रिश्ते रहण वाले उहदे पैसे लेकिन किसे नु रिश्ता दे नहीं रहेगा सी क्यों नहीं सी देया मेरी बेटी ते खुश नहीं दी हो सकदा है किसे बीमारी दे विच मुब्तला हो जाए हो सकदा है किसे मुसीबत दे विच मुब्तला हो जाए। इधरों जिसले अजीज मिस्र नु खत दे दित्ता गया जवाब असी तुहानु चाहिया मेरी बेटी दा रिश्ता तेरे नाल कर दित्ता जाए। जदों अजीज मिस्र ने गल सुनी उहने खत भेजा को पैगाम भेजा कहण लगा जिहड़ा साडे नाल मुहब्बत करदा सी उहदे नाल मुहब्बत करना जिहड़ा साडे नाल प्यार करदा सी उहदे नाल प्यार करना। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਆਇਆ ਅਜੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੁਕਰਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
परेशान ना हो तेरे ते भी सबर की घड़ी आ गई है तेरे ते भी इम्तिहान की घड़ी आ गई है तेन इथे लिया इसे जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मिलेंगी एहो तेरा सी सबब बनाया इथे रहे अजीज मिस्र नाल प्यार कर कोई ऐसी बात नहीं जब हजरत जुलैखा उत्ते रहन लग पिया तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे विच दाखिल हो गए जब मिस्र तो थोड़े जे बाहर कर जिहड़ा मालिक सी काफले दा मालिक उहदा नाम भी मालिक बिन इब्ने ज़ुहर ओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहण लगा जनाब अली इस तरह करो गुस्ल कर लवो अच्छा लिबास पहन लो मिस्र दे विच दाखिल होणा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बड़ा सोहना लिबास पहना दिता गया फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों निखरे चेहरे दा निखार जिसले होर वध गया जदों चेहरे दा नूर चेहरे दी रंगत होर ज्यादा हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मिस्र दे बाजार दे विच गए वेख्या लोग मगर लग गए ने हजूम बन गए हजूम लग गया काफी दुनिया तमाशा वेखण वास्ते जमा हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा चेहरा पे वेख रहे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू लेके मालिक जिहड़ा मालिक नामी बंदा जिहने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदिया सी अपने घर दे विच चला गया जदों घर विच गया उहने सवेरे ऐलान कर दिता ओ दुनिया वालो जिहने बंदा वेखणा होवे जिहने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वेखणा होवे आओ मेरे घर दे विच मैं एक दिरहम लवांगा जदों दिरहम लवांगा मैं इहदा दीदार करावांगा लोग आंदे पैणे एक